नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो ईकेवाईसी करना था वो हो नहीं रहा है। ठीक है, किसी भी माध्यम से कुछ लोग का तो हो गया, लेकिन अब दो तीन दिन से साफ साइट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में दो प्रकार के एरर आ रहे हैं, तो इसी के बारे में वीडियो में हम बताएंगे आज। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पीएम किसान का ऑफिशियल साइट है। ठीक है, इस पे आ गए और यहाँ नीचे कीजिएगा तो कॉर्नर पर ईकेवाईसी का तो ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें जब अपना आधार नंबर कैप्चा इंटर करेंगे तो कुछ लोग का नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ठीक है, नॉट रिकॉर्ड फाउंड, और कुछ लोगों का अगर सही से ले भी ले रहा है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जा रहा है जो आधार में लिंक है, तो उसके बाद इनवैलिड ओटीपी का ऑप्शन आ जा रहा है, वो इनवैलिड ओटीपी बता रहा है, उसके बाद भी सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये दो प्रकार का एरर बहुत आज तीन चार दिन से आ रहा है और हो नहीं रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग का सवाल इसमें है कि अगर केवाईसी नहीं होगा तो क्या इस बार जो पैसा आएगा वो नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि पैसा तो आएगा ही, क्योंकि केवाईसी जो ई केवाईसी है वो सरकार की तरफ से तो जारी कर दिया गया है कि सभी किसानों को कराना है, लेकिन इस साइट पे अभी हो नहीं रहा है। तो ये जब तक सुधार करेगा उधर से तभी तो केवाईसी होगा फार्मर का, तो ये पैसा आपका रुकेगा नहीं, केवाईसी होगा चाहे नहीं होगा। लेकिन आप जब केवाईसी काम करने लगे प्रॉपर, तब केवाईसी आपको करा लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बार तो पैसा आपका डला जाएगा, इसके बाद जो आएगा पैसा उसमें हो सकता है कि आप केवाईसी ना कराएं तो आपका पेंडिंग रह जाए। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका केवाईसी अगर इस बार नहीं भी होगा, साइट का जब प्रॉब्लम है तो आप कैसे कीजिएगा केवाईसी, साइट से ही करना है, कोई तो इस तरह करना नहीं है, तो साइट काम ही नहीं कर रहा है तो केवाईसी आपका कैसे होगा। तो इस तरह आप केवाईसी अगर नहीं भी कीजिएगा तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन आप जब साइट काम करे तो केवाईसी आप करा लीजिएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान से रखकर। और इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि सीएससी से करने के लिए जो फिंगरप्रिंट से, तो फिंगरप्रिंट में भी क्या हो रहा है कि यूजर आईडी और पासवर्ड डालने पर तो वो हो जा रहा है, लेकिन देखिए ये ओपन हो जा रहा है, और मोबाइल नंबर भी डालिएगा तो मोबाइल नंबर भी ले लेगा, लेकिन जब फिंगर की बारी आती है तो क्या होता है कि फिंगर भी रेडी नहीं हो रहा है। और उसमें एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे आधार नंबर इंटर कर दिए, और देखिए इसमें आधार नंबर अपना इंटर कर दिए, ठीक है, और सर्च पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर भी मांगेगा, मोबाइल नंबर हम अपना इसमें इंटर कर दिए जो रजिस्टर्ड है किसान रजिस्ट्रेशन में, ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इसमें ओटीपी नहीं आ रहा है। कल से जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन तो ओटीपी आ रहा था, लेकिन दो तीन कल से और परसों से ओटीपी नहीं आ रहा है, तो ओटीपी नहीं आएगा तो सबमिट कैसे होगा। तो फिंगर वाला भी ये जो सिस्टम है वो भी फेल है, और ओटीपी से जो हो रहा है वो भी फेल है, तो दोनों में किसी से भी आप रजिस्ट्रेशन इसका ई केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए लिख रहा है ओटीपी हैज बीन सेंड योर मोबाइल नंबर, ठीक है, तो मोबाइल नंबर तो यहाँ ओटीपी लिख दे रहा है कि सेंड कर दिया गया, लेकिन यहाँ ओटीपी मोबाइल पे आ नहीं रहा है ई फिंगरप्रिंट वाले में, तो बिना फिंगर ओटीपी के तो आगे प्रोसीड करेगा नहीं, और ओटीपी आ जा रहा है वो भी लिख रहा है कि ओटीपी इनवैलिड। ठीक है, तो इस तरह दो तीन प्रॉब्लम है, जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक कैसे केवाईसी होगा। तो इसी के छोटा सा जानकारी था, आप लोग को कोई घबराने की बात नहीं है, जब साइट ठीक हो तो आप लोग केवाईसी जरूर कराइएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।